नमस्कार हितेश जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। बहुत बढ़िया, चलते हैं। श्रद्धा मैम, कैसी हैं आप? सुन पा रही श्रद्धा मैम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बीना मैम, कैसी हैं आप? चलिए, शायद बीना मैम बिजी लग रही हैं। हमारे साथ अजीत जी और रोशन जी हैं, और ये बीना मैम कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, मुझे लगा मैं म्यूट नहीं हूँ। कोई बात नहीं। तो हमारे साथ अजीत जी और रोशन जी हैं, इन लोगों का नया बैच स्टार्ट हुआ है और ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत दिनों से आप पूरे बैच को देख रहे थे और आप लोगों को फॉलो कर रहे थे किस तरीके से। श्रद्धा जी मतलब इस बैच के हर एक मेंबर को ये जानते हैं, तो मुझे लगा इन दोनों को मिलाना बहुत जरूरी है आप लोगों से। आप लोग चाहें तो जरूर आपस में एक दूसरे से बात कर। गुड इवनिंग। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू बोथ। और इन लोगों का नया बैच स्टार्ट हुआ है, बट आगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों का बैच जब एंड हो रहा है उसके बाद इनका स्टार्ट हो रहा है, बट जरूरी था आप लोगों से इनको मिलवाना। और ये काफी दिनों से आप लोगों को देख रहे हैं, आपकी हर एक वीडियो को चेक कर रहे हैं और समझ रहे हैं किस तरीके से आप काम कर रहे हैं आगे। तो एक कहीं ना कहीं आप लोग प्रेरणा का सोर्स भी हैं इनका, कि हाँ कि कुछ लोग काम कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बहुत खुशी है, वेलकम टू दी फैमिली एंड पार्ट ऑफ द फैमिली। आगे चलते हैं सेशन में। किसी का क्वेश्चन लास्ट सेशन से? हितेश जी, कोई क्वेश्चन? सर ये एक्चुअल में आप बता रहे थे कि जब ऐड बंद करते हैं तो ऐड बंद हो जाती है, वो ऐसा नहीं होता है, तो वो सिखाओगे आप सेशन में? जब ऐड मतलब जब आपका ऐड चल रहा है तो ऐड को पॉज करना है इसका ये? नहीं नहीं नहीं, आपने बोला था कि आप ऐसा सोच रहे हो कभी ऐड हमने बंद कर दिया तो ऐड बंद हो जाती, ऐसा नहीं होता है, तो वो क्या होता है? मैं इसको रिकॉल नहीं कर पाया सर, मुझे थोड़ा सा समझाइए सर, पूछना क्या चाहते हैं थोड़ा समझाइए। एक्चुअली उस दिन हमारी बात हुई थी ना सेशन में, तो आपने ऐसा बोला था कि ऐसा नहीं होता है कि ऐड हमने बंद कर दिया यहाँ से तो ऐड बंद नहीं हो जाता है। अच्छा ठीक है, समझाता हूँ सर। होता क्या है, जब आप एड को चलाते हैं ना, ये गूगल एड्स में ज्यादा होता है, फेसबुक थोड़ा सा इस पे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, बट गूगल एड्स में ज्यादा होता है। गूगल एड्स के अंदर क्या होता है, जब आप अपने एड ऑन करते हो ना हितेश जी, तो एड ऑन होने में लगभग 10 से लेके 15 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि यूजर बहुत सारे हैं, सबके स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट होना होगा। और जब आप बंद करोगे तो उसमें भी 10 से 15 मिनट का टाइम होता है जब आपका ऐड बंद होगा। ओके। अगर उस बीच में जब आपने मान लीजिए आपने अपना ऐड पॉज कर दिया, ओके, और ऐड पॉज करने के बाद किसी ने क्लिक किया आपके ऐड के ऊपर, ओके, तो उसका चार्ज आपको गूगल को देना पड़ेगा, फेसबुक को, फेसबुक या गूगल एडवर्ड्स, किसी भी ऐड नेटवर्क की आप बात करें। तो मैं यही समझाता हूं कि जब आपको एड पॉज करना है, मान लीजिए जैसे आप तो क्या है सर, सिंगल कॉल्स ले रहे हैं, सिंगल कॉल रिसीव कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपने कभी अपनी सेल्स टीम बिठा ली और आप चाह रहे हैं कि बैक टू बैक कॉल्स उनको मिलती रहे, ठीक है सर? तो जब आपके मान लीजिए 10 इंडिविजुअल आपके लॉग इन है और 10 इंडिविजुअल्स को आप सेल्स कॉल दे रहे हैं बैक टू बैक एड चला के, जैसे ही आपके 6 इंडिविजुअल फुल हो जाए ना, एड को पॉज कर दीजिए, तो 10 तक कॉल अपने आप आ जाएगी। क्लियर है हितेश जी? समझ गया सर, यही मैंने उस दिन बोला था कि टाइम लगता है प्ले पॉज करने में। ओके, और दूसरा ये बात है कि आपने बोला था कि सपोज 12 बजे तक रात के 12 बजे चालू होती है, दोपहर के 12 बजे तक चालू होती है, वो क्या है? ठीक है सर, जो टाइम फ्रेम होता है वो टाइम फ्रेम होता है टोटल 24 घंटे का। टोटल 24 घंटे का टाइम फ्रेम होता है, मतलब जैसे अगर आपने अपना बजट लगाया 500 रुपए, गूगल एड्स के अंदर मैं पहले बताता हूँ, पहले गूगल एड्स बताऊंगा फिर फेसबुक बताऊंगा। गूगल एड्स के अंदर अगर आपने अपना बजट लगाया 500 रुपए, तो 500 रुपए बजट लगाने के बाद क्या होता है, गूगल एड्स आपका पर डे का बजट बता रहा हूं मैं, पर डे का, तो गूगल एड आपके पर महीने का बजट कैलकुलेट करता है, मतलब 500 × 30 डेज, ठीक है? गूगल आपका पर महीने का एक बजट कैलकुलेट कर लेगा, अपने दिमाग में रख लेगा, और इस बजट के बेस पे मान लीजिए आपका जो एड है, ऐसा नहीं होगा कि वो 500 रुपए पे ही जाके रुकेगा, ऐसा नहीं होगा हितेश जी, ये डिपेंड करता है
कि आपके एड जो भी कीवर्ड आप लगा रहे हैं उस कीवर्ड पे ट्रैफिक कितना है। हो सकता है आपका एड जो है वो 500 रुपए पे नहीं जाके वो 600 रुपए तक चला जाए रोकते रोकते, ठीक है। अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा, मैं आपको ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस दिखा दूंगा। इसमें से कोई है जिसने अभी वीडियो एड बनाया? हितेश जी, गूगल एड में वीडियो एड बनाया हुआ है क्या आपने? नहीं, गूगल एड में नहीं, फेसबुक में सब बनाया है। चलिए, फेसबुक में सर ज्यादा काम करता नहीं है, फेसबुक थोड़ा अभी कस्टमर्स उसके पास गूगल जितने सारे कस्टमर्स नहीं है, इसलिए फेसबुक इस पे थोड़ा स्टैंडर्ड पे चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं हितेश जी, आप एक काम ट्राई कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन में इसको बता रहा हूं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बिना मैम आप भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी वीडियो के ऊपर व्यूज लेके आने हैं, अगर आपको वीडियो के ऊपर व्यूज लेके आने, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, तो हितेश जी आप क्या करने वाले हैं, बीना मैम, श्रद्धा मैम ध्यान दीजिएगा, अश्विनी क्या करने वाले हैं आप? आप अपना एड चलाएंगे, यूट्यूब वीडियो एड, और उस यूट्यूब वीडियो एड को कोई प्लेसमेंट नहीं देंगे, खुला छोड़ देंगे, और 200 रुपए का बजट लगाएंगे, 200 का बजट लगाएंगे, तो आपका जो एड चलेगा, मतलब गूगल कहता है कि जितना भी आपने डेली का बजट लगाया है मल्टीप्लाइड बाई 2 मैक्सिमम वो काट सकता है उस दिन के लिए, ठीक है। मतलब गूगल और फेसबुक बहुत क्लियरली कहते हैं कि अगर 200 रुपए का आपने पर डे का बजट लगाया है तो ऐसा नहीं होगा कि 200 पे ही जाके बंद होगा, हो सकता है वो 202 पे चला जाए, हो सकता है वो 240 पे चला जाए, ठीक है हितेश जी? सही बात है सर, हो सकता है कि वो कम पे भी रुक जाए, अगर नहीं है उस पे इतना, बिल्कुल कम पे भी रुक जाए। लेकिन मैम अगर यूट्यूब के ऊपर, अगर YouTube पर आप प्ले कर रहे हैं वीडियोस, तो मैं आपको बता दूं YouTube पे अगर 200 रुपए का आप चला रहे हैं ना, तो उस अगर आपकी कैंपेन की हिस्ट्री अच्छी है, तो उस 200 रुपए में जो 400 रुपए का टोटल आपका एड चलेगा, आपको समवे अराउंड 20,000 व्यूज भी मिल सकते हैं। यस सर, अगर ट्रैफिक अच्छा निकल जाए तो। तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो इस तरीके के पैटर्न को यूज करते हैं कि 200 रुपए का बजट लगाया, 20,000 व्यूज लिया, कस्टमर को बोल दिया देखो जी 20,000 का पैसा लगाया हमने, लेकिन ये गलत है। अपने लिए अगर करना है तो करो, कस्टमर को मत बताओ ये। जैसे मान लीजिए अश्विनी, अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की आप कोई वीडियो, कॉमर्शियल वीडियो लेके आते हैं, या फिर हितेश जी आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी कोई कॉमर्शियल वीडियो है, या फिर बीना मैम आपका कोई ऐसा टेस्टिमोनियल है आपके सर्विस का, ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट का, जिसपे आप व्यूज देना चाहते हैं, जी, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। 100 रुपीज का बजट रखिए, कैंपेन का कोई प्लेसमेंट मत कीजिए, खुला छोड़ दीजिए यूट्यूब पे, मतलब आपका जो पर डे का कॉस्ट कितना लगेगा 200 रुपीज, और व्यूज नॉट लेस देन 5,000 व्यूज के पास बैठे होंगे आप। So here while running this YouTube campaign, can I also target the audience there? Of course, but Ashwini, if you target the audience at that point of time, then आपका ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये चल नहीं पाएगा। रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल, ये अभी काम कर पाएगा जब आपका ऑडियंस बहुत बड़ा हो। यहाँ पे हर कोई मेरा ऑडियंस होगा इनफैक्ट, बिकॉज़ बिल्कुल यहाँ पे भी पानी है। लेकिन उसमें बिजनेस नहीं आएगा ये समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप हर किसी को दिख रहे हैं, वो टारगेटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर टारगेटिंग के साथ चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये वो लोग यूज करते हैं जिनको सिर्फ व्यूज से मतलब होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक नई तरीके का पैटर्न बन गया है कि जिसके व्यूज ज्यादा वो अच्छा डिजिटल मार्केटियर है ना। In fact, I have one thing. We are getting one product to the market. That is an electromagnetic water softener. In fact, I have some idea ki sales team जाने से पहले हर किसी को इस product के बारे में पता चले। बहुत बढ़िया। In fact, I think I have to run a YouTube ad on that. और video create हो रहा है। Of course. So Ashwini, what you can do, जबी भी आपकी sales team target कर रही हो ना जिस भी area को, जो भी नंबर, जैसे आउटबाउंड, अगर आप सेल्स टीम आउटबाउंड डायलिंग करेगी, तो अगर वो आउटबाउंड डायलिंग कर रही है तो उस एरिया में पहले से एड चला के रखिए पिछले 5 दिन से। ओके, बहुत अच्छा रिस्पांस निकलेगा आपका इस पे। हम करते हैं इस चीज को, व्हेनेवर वी टारगेट फॉर द आउटबाउंड कॉल्स इन यूएस मार्केट, हम ये कर देते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकलता है, बिकॉज व्हेनेवर योर सेल्स टीम एजेंट विल कॉल, यू विल हैव द ब्रांड इन द कस्टमर्स माइंड ऑलरेडी, पहले से बन के निकल के आता है।
और मैं बता दूं हितेश जी, मैंने आपको बताया आपने अपना सेटअप बहुत अच्छे से किया हुआ है, मैंने देखा था वीडियो पे। हितेश सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज लाइव वीडियो पे उसको दिखाना स्टार्ट करें। एक टेबल बना लें, एक टेबल बना लें और दिन में कोशिश करें यूट्यूब या फिर फेसबुक, फेसबुक से ज्यादा अच्छा फायदा आपको मिलेगा, फेसबुक लाइव वीडियो पे जाएं। ओके। और आप लगभग 2 या 3 घंटे फेसबुक लाइव वीडियो पे जाएं और लोगों को कहें कि ग्रुप में शेयर कीजिए बरोबर, और अपने प्रोडक्ट्स को दिखाइए वहां पे, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा हितेश जी वहां से। ठीक है, सही बात है, सही बात है, ट्राई कीजिएगा सर इसको जरूर। नहीं सही बात है सर आपकी, क्योंकि अब क्या है ना, अब इस टाइम में लोग वीडियो प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए देख रहे हैं क्या बता रहे हैं, लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग निकलना नहीं चाहते। तो ये वीडियो मैंने फेसबुक पे सपोज मैंने लाइव चालू किया तो आपको, आपने सपोज देखा तो आपको मैं कैसे बताऊं कि आप अगले लोग, अगले लोगों को वीडियो पे बता दूं, बता दूं मैं सबको। वीडियो में अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे, जैसे मान लीजिए घड़ी है आपके पास, एक वॉच है, हाँ, आप उस वॉच को दिखाओगे कि वॉच ऐसा लग रहा है, पहन के दिखाओगे, उस वॉच के कुछ फैसिलिटीज बताओगे कि देखो यहाँ पे इसका रिबन ऐसे खुलता है, इसका ऐसे लॉक ऐसे लगता है, वॉच में आप उसके चीजें बताओगे कि पानी के अंदर डाल के दिखा दोगे देखो वाटर रेजिस्टेंस है, और नीचे आप बोलते रहोगे कि जो भी इसको शेयर कर रहे हैं उसको 10% डिस्काउंट अभी का अभी। ओ, समझ गया। लाइव ऑर्डर्स बुक हो रहे हैं। आपको वो जमाना याद होगा जब लोग घर में बैठते थे और रात में टेली सेल्स होती थी टीवी के ऊपर, डीडी नेशनल पे रात में। नापतोल अभी है, अभी भी चलता रहता है नापतोल, क्या है सर वो नापतोल ना, नापतोल यस। समझ लीजिए हितेश सर, नापतोल आपको ऑनलाइन लेके आना है फेसबुक पे, तो वो फेसबुक में वहाँ लाइव वीडियो लिखा है वहां पे क्लिक करनी है और मेरा काम चालू कर देना, यही बात है ना। बिल्कुल, आप लाइव वीडियो पे चलाइए और अपना काम चालू, बक बक करना चालू, और लोगों को बोलिए शेयर करते रहो, जो भी शेयर करेगा उसके नीचे शेयरर लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे ही लोग आपको दिखेंगे कि ये वाला शेयरर है उसको बोलिएगा अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए अभी, लो भैया शेयर करो 10 ग्रुप में। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जिन लोगों ने मेरे पास जिस चीज की इंक्वायरी की है उन लोगों को पहले भेजेगा फेसबुक पे आ जाओ आप। बिल्कुल सर, आप लाइव जाएंगे तो अगर आपके प्रोफाइल के ऊपर लोग कनेक्टेड है ना, तो आप लाइव जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी। उनको इनके कस्टमर्स को दिखेगा, जो इनके फ्रेंड है उनको दिखेगा, जो भी आपके फॉलोअर्स होते हैं ना पेज के, पेज फॉलोअर्स को दिखेगा, जैसे ही आप फेसबुक पे लाइव जाएंगे उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, तो इन दैट केस आई थिंक हितेश जी हैज टू इंक्रीज हिज फॉलोवर्स इन द बिजनेस पेज। यस ऑफ कोर्स, दैट मींस पेज एंगेजमेंट पे काम करना है हितेश जी, इससे पहले ऐड चला लो हितेश, पहले लाइक ज्यादा बढ़ा ली, बढ़ाने लाइक नहीं सर, फॉलोवर्स, हां फॉलोवर्स बढ़ाने, फॉलोवर्स बढ़ाने, लाइक तो सर ऐसे ही आ जाएंगे। अगर लाइक का नंबर दिखाना है ना, तो लाइक का नंबर तो आप नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में ऐड चला दो, पैसे लगेंगे आपके 50 रुपए 60 रुपए, और लाइक आएगी 200-300 फटपट आती रहेगी सर। मतलब नहीं है ना सर, दोबारा बताइए सर, इसका मतलब नहीं है ना कुछ सर, उसका मतलब नहीं, क्योंकि आपके पेज की एंगेजमेंट ही नहीं होगी ना, वो तो लाइक करके चले गए, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गया। चलिए आगे सेशन में चलते हैं, और मैंने आपको पिक्सल्स के बारे में कल बताया था, पिक्सल्स सबने इंप्लीमेंट किया, समझ में आया पिक्सल्स क्या होता है? कल हमने जो पिक्सल डाला हुआ था उस पिक्सल पे देख लेते हैं कि उस पिक्सल की क्या क्वेरी आई है, किस तरीके से वो काम किया है। दोबारा चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले लास्ट सेशन में मैंने एक चीज ट्राई की, वो मैं यहां सेशन में भी बता देता हूं। अजीत जी, रोशन जी ने देखा मैंने क्या किया था, एक नया एक्सपेरिमेंट मैंने ट्राई किया। उस एक्सपेरिमेंट जैसा मैं 3-4 दिन से आप लोगों को बता रहा था कि अगर फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर अगर आपकी कोई लाइव वीडियो है तो अश्विनी वो जल्दी रैंक करती है। ठीक है, अगर आपके यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो है,
आप वीडियो इसलिए तो डालते हैं कि वो रैंक करे, है ना, तभी तो ग्राहक आएंगे, है ना बीना मैम, श्रद्धा जी? यस सर। तो मैंने ये महसूस किया और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि लाइव जाओ तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, जल्दी रैंक होगा। तो मैंने क्या किया, हमारे IIDN के चैनल के ऊपर एक वीडियो है जो लाइव चल रही है अभी, जो अभी करंट में लाइव चल रही है, उस वीडियो के ऊपर हमने क्या किया, हमने इस तरीके का एक पैटर्न बनाया जो गूगल पे लेटेस्ट कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, जो गूगल के ऊपर लेटेस्ट कीवर्ड सर्च हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो वीडियो में वो रेगुलर अपडेट दिखा रहा है। और मैं ये चीज बता रहा था लास्ट सेशन में, मुझे लगता है, मैंने रिसर्च नहीं किया है, मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड का पहला ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो डायनेमिक अपडेट ले रहा है। मैं आपको उसका दिखाता हूं किस तरीके से काम कर रहा है। तो उस दिन मैंने बोला था वो हितेश जी, हाँ कुछ कुछ उसी आइडिया पे मिलते जुलते, कुछ कुछ उसी आइडिया पे। हितेश जी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देते रहते हैं आजकल हमें। मजे से काम करते हैं आप, और यहां चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये कर क्या रहा है वीडियो। आप लोग भी अपने एंड पे सेशन खत्म होने के बाद देखिएगा इस वीडियो को, ये कर क्या रहा है और मैंने किया क्या है। ये देखिए यहां पर गूगल अपडेट दिखा रहा है, ये वीडियो अभी लाइव है, और इस वीडियो के अंदर एक बार लोड हो जाने दीजिए, मेरे एंड पे VPN चल रहा है। यहां देखिए लोग यहां पे लिखे चले जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलर जो अपडेट्स होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, वो गूगल YouTube अपने आप डिलीट करता रहता है, तो इसमें बहुत हजारों कमेंट्स आ रहे हैं सुबह से, और ये वीडियो लाइव चलती जा रही है। और ये कर क्या रही है, ये वीडियो क्या कर रही है, ये अश्विनी बैकग्राउंड पे बीना मैम, ये जो आपको दिख रहा है ना गूगल लेटेस्ट सर्च कीवर्ड्स, ये इंडिया के अंदर कौन से कीवर्ड लेटेस्ट सर्च हो रहे हैं उसको दिखा रहा है, और उसके साथ उसके सर्च की वॉल्यूम दिखा रहा है। और ये जो वीडियो है ये अपने आप में लाइव रहने के साथ साथ, ये वीडियो देखिएगा थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो जाएगी, और ये पेज अपने आप उसका रीलोड लेगा। अश्विनी इससे हो क्या रहा है, वो लेटेस्ट API की मदद से वीडियो अपडेट दिखा रहा है, जो भी ट्रेंड्स वहां चल रहे हैं। ओके ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें कि राजीव गांधी या प्रशांत भूषण या स्वच्छ स्वदेश, ये है जीमेल डाउन, ये आज मैं जीमेल पे काम कर रहा था तो ये जीमेल डाउन भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड चल गया। और मैंने ट्रायल के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस वीडियो के टाइटल को हितेश जी चेंज किया, देखिए अपडेट लिया उसने, देख रहे हैं ये? मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इस तरीके की अपडेट वाला वीडियो नहीं देखा है, शायद ये हो सकता है मैंने प्रॉपरली रिसर्च ना किया हो, बट कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी मजेदार लग रही है मुझे, और इस पे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट में करने वाला हूं। तो ये गूगल की API से उठा रहा है डायरेक्टली बीना मैम डेटा, कि गूगल पे लेटेस्ट क्या सर्च हो रहा है और कितना वॉल्यूम सर्च हो रहा है। ओके सर, आल्सो टीच अस सर हाउ टू डू दिस। यस डेफिनेटली अश्विनी, ये जरूर हम बात करेंगे। और मैंने क्या किया, जीमेल नॉट वर्किंग, इस कीवर्ड पे ट्रैफिक बहुत होगा ना बीना मैम, श्रद्धा जी, हितेश सर, जीमेल नॉट वर्किंग कितना ट्रैफिक होगा, बहुत ट्रैफिक होगा इस कीवर्ड पे, पूरी दुनिया सर्च करती है, पूरी दुनिया। मैंने क्या किया, मैंने इस वीडियो का जो टाइटल था उस वीडियो का टाइटल सिर्फ चेंज किया। याद रखिएगा अपडेट करने के लिए YouTube का जब सेशन मैंने लिया था, ये मैंने आज का सेशन रखा ही ये चीज दिखाने के लिए कि मैंने किया क्या है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये सीखना, ये एक नया ट्रेंड है। देखिए मैंने क्या किया, इस वीडियो का टाइटल मैं चेंज कर रहा हूं अभी यहां से मुझे, और ये मेरे को पता कहां से लगा, ये जो मैं वीडियो अभी देख रहा था उस वीडियो में सबसे लास्ट में लिखा रहा है ना जीमेल डाउन, हाँ मतलब आज दोपहर के टाइम में जीमेल में एक इशू आ गया था कि आपकी फाइल अटैचमेंट नहीं हो पा रही थी, तो लोगों ने पूरे वर्ल्ड से जीमेल डाउन करके कीवर्ड सर्च करना स्टार्ट किया। क्या सही में गूगल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा अच्छा जी लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ो, और मैंने यहां कर दिया जीमेल
नॉट वर्किंग. ये कीवर्ड बहुत तगड़ा कीवर्ड है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इसके ऊपर. और देखिए मैंने अपने टाइटल को चेंज कर दिया, जीमेल नॉट वर्किंग. अब एक काम करते हैं, अब मैं एक मशीन को ओपन कर लेता हूं. I have one doubt, sorry to interrupt you. Yes. How do you identify that okay, today this keyword is ranking? Okay. So it's a hit and trial method, Ashwini, for you. Okay, for yes, you, exactly. Hit and trial method. Yeah. Okay? But for me, it's a kind of research which I have done it for years. Yes. Okay? Is there any technique behind it? Yes, sir. Kaise pata chalega? कैसे पता चलेगा सर? सर देखिए मैम ने पूछा, मैम ने सिंपल ये पूछा कि सर आपने आपको कैसे पता लगा कि इस कीवर्ड पे आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी. हाँ. तो मैंने बोला कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, है ना. आपको आपके टाइटल के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करके रखना पड़ेगा. अभी के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर हम इस वाले सिस्टम पे चल देते हैं. ये कुछ VPNs हैं. VPN समझते हैं आप लोग क्या होता है? बस सिक्योरिटी के लिए होता है सर, ऐसा सुना है. नहीं, VPN मतलब जैसे मैं बैठे बैठे यहाँ पे चार पांच मशीन से हमारे ऑफिसर्स की, ये मैं US वाले मशीन में लॉगिन कर रहा हूँ अपने. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ये. और VPN कैसे काम करता है समझाऊंगा. सबसे पहले मैं YouTube पे चलता हूँ. यहाँ पे हम लोग जब चाइना जाते हैं तो ये व्हाट्सएप नहीं चलता है, तो VPN से व्हाट्सएप चलता है. हाँ सर, VPN एक वर्चुअल नेटवर्क होता है जिसकी मदद से आप काम करते हैं. तो ये एक तरीके की मशीन है, जैसे अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये एक तरीके की मशीन है जो एक वर्चुअल मशीन है. इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस मशीन का, ये कोई कंप्यूटर नहीं है, लेकिन एक वर्चुअल मशीन है मेरे लिए विंडोज की. मैंने वहां पे अपने टाइटल को अपडेट किया था, और यहां एक बार चल के देखते हैं कि हमारी वीडियो कहीं रैंक कर रही है क्या. ये देखिए मेरी वीडियो रैंक हो चुकी है फर्स्ट पेज के ऊपर. अश्विनी ध्यान दीजिएगा, मैं कौन से कीवर्ड की बात कर रहा हूं. बीना मैम, जीमेल नॉट वर्किंग, पूरी दुनिया सर्च करती है इस कीवर्ड को. कितना ह्यूज ट्रैफिक होगा बीना मैम इसके ऊपर. श्रद्धा मैम, और मैंने सिर्फ एक लाइव वीडियो करके अपने टाइटल को चेंज किया है एंड आई एम रैंकिंग हियर. इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही है कि लाइव वीडियो जल्दी रैंक करती है. YouTube में भी वी कैन गो लाइव? यस ऑफ कोर्स. ओके, Facebook. Facebook आई नो, बट YouTube आई डोंट नो, वी कैन गो लाइव. और लाइव जाने के साथ साथ बहुत सारे लोग इस पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, है ना. So, मुझे लगता है कि ये इंडिया का, इंडिया नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर जाएं डिजिटल मार्केटिंग में, तो मुझे लगता है कि ये चीज किसी इंस्टीट्यूशन ने आज तक इम्प्लीमेंट नहीं की है कि वो लेटेस्ट ट्रेंड एक वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं. वी आर लकी एनफ कि हम ये चीज कर पाए. और बहुत थैंक यू. इस बहुत दिन से हम रिसर्च कर रहे थे इस चीज पे. अभी देखा आपने कैसे फटाक से मैंने एक बहुत स्टैंडर्ड कीवर्ड के ऊपर इस वीडियो को रैंक करा दिया. मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने मैंने रैंक कराया है. अभी इसी को करने के लिए मेरा एक और सर्वर है, इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टर. ये देखिए OBS नाम का ब्रॉडकास्टर होता है. ये ब्रॉडकास्टर क्या कर रहा है एक मशीन पे, क्योंकि अगर मैं अपने सिस्टम से ब्रॉडकास्ट करूंगा ना, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अपने सिस्टम से ब्रॉडकास्ट करूंगा तो क्या होगा कि मेरा सिस्टम बंद होते ही ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाएगी, लाइव खत्म हो जाएगा, है ना. यही मतलब है ना हितेश जी, श्रद्धा, यही है ना, लाइव खत्म हो जाएगा ना, मेरा सिस्टम बंद, लाइव खत्म. yes, हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो 24/7 ऑन रहेगा. तो मैंने एक यही वर्चुअल नेटवर्क यूज किया. मैं ट्रायल मोड पे कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर इसको ऑन रखने वाला हूं.
लेकिन एक ट्रायल के लिए मैंने किया था। जब मेरा ये सक्सेस हो गया तो हितेश जी मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए, एक ट्रायल किया जाए कि लोग YouTube पे कुछ भी हम डाले तो देखेंगे क्या, है ना। तो इसके लिए मैंने ब्रॉडकास्ट किया। मैंने क्या किया, मैंने एक बैनर बना दिया और मैंने उस पर लिख दिया आज तक न्यूज पॉडकास्ट। आज तक न्यूज पॉडकास्ट बीना मैम, क्या लगता है आपको इस कीवर्ड पे अच्छा ट्रैफिक होगा कि बेकार ट्रैफिक होगा? वेरी गुड ट्रैफिक, बहुत बड़ा ट्रैफिक होगा ना अश्विनी इस कीवर्ड के ऊपर? यस राइट। YouTube में तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होगा इस कीवर्ड के ऊपर। एग्जैक्टली। अब चलते हैं और देखते हैं हमारी वीडियो ने क्या कमाल किया यहाँ पे। ये एक्चुअली बैच, जो हमारा बैच था लास्ट वाला जो 721 बैच है, इनको दिखाने के लिए कि YouTube में आप कुछ भी डालो तो चलेंगे हम, तो इसलिए मैंने ये ट्रायल किया। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यहां मैं डाल देता हूं आज तक लाइव पॉडकास्ट। नीचे चलते हैं, देखते हैं ढूंढते अपने वीडियो कहां है। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। वीडियो वॉज रैंकिंग देयर बट अभी मुझे नहीं पता बिकॉज इट्स स्टिल इन द एक्सपेरिमेंट फेज। सर आपने चलाया वो आए गई मैम, ऐसा नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट है। जब मैं कॉन्फिडेंट जाऊंगा तो मैं बिल्कुल सही बोलूंगा कि हाँ कि अब चलाएंगे तो आएगा ही आएगा। चलिए ये देखिए रैंक कर रहा है। आज तक की वीडियोस के बीच में हमारी वीडियो भी आ गई। अभी मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं और दो लोग इसको देख रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या देख रहे हैं। इसमें सुनाई तो कुछ दे ही नहीं रहा क्योंकि सिंपल इमेज है, फिर भी देखे जा रहे हैं। और ये जो मैंने नीचे डाला ये एक GIF डाल दिया है जो सिर्फ एक एनिमेटेड GIF है, लोग बैठ के देख रहे हैं इसको। तो यहां पे भी इससे आपका फायदा क्या है? ये आपने मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो रिसर्च कर रहा था कि लाइव वीडियो रैंक करती है नहीं करती। ओके समझ गए। ओके मेरा कोई फायदा नहीं है, अभी तक मैंने कोई फायदा इससे नहीं सोचा है। सर ये बैनर आपने कैनवास से बनाया है? ये बैनर कैनवास से बनाया। अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है। बट सर कैनवा में हम लोग गिफ्ट भी ऐड कर सकते हैं? मैम कैनवा में आप गिफ्ट ऐड कर सकते हैं, कैनवा में आप गिफ्ट बना के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट यू नीड टू हैव अ पेड वर्जन ऑफ इट। एग्जैक्टली। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप कैनवा नहीं, आप कैनवा से JPG बनाइए और JPEG बनाने के बाद कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज कर लीजिए गिफ्ट उसमें। कोरल में भी बन सकता है। हाँ आप उसमें कोरल में भी आराम से बना सकते हैं। कोरल तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है सर, वो तो बहुत बड़े एप्लीकेशन लेवल पे आप चले गए सर। मतलब कैनवा और कोरल का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं कोरल में बनाता हूं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कैनवा पे जो डिजाइन्स अपलोड होते हैं वो कोरल पे बना के अपलोड करते हैं लोग, जो डिजाइनर्स होते हैं। तो ये अब समझ आया ना आप लोगों को कि ये जो वीडियो यहाँ पे मैं डाल रहा हूं ना ये कितनी जल्दी अपडेट हो रही है। मतलब इसका मतलब कि अगर हम यूट्यूब में लाइव जाते हैं या फेसबुक में लाइव जाते हैं तो वो वीडियो जल्दी रैंक होती है। लॉजिक क्लियर है सबको? यस सर। अभी आपके पास जो भी सिनेरियो होगा, जिस भी सिनेरियो में आप अपनी वीडियोस पे काम करेंगे या फिर आप फेसबुक ऐड पे काम कर रहे हैं, मैंने सेशन के बीच में इस टॉपिक को इसलिए रखा क्योंकि यहां पर बहुत जरूरी था आप लोगों को समझाना कि ये एक प्रोसेस है, इसको यूज करें, क्योंकि अब इंफोग्राफिक्स का ही जमाना है। अश्विनी फॉर यू, अगर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इफ यू वॉन्ट टू टॉक, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ डिजिटल ब्रांड, जिस भी ब्रांड के साथ आप एसोसिएटेड हैं, अगर आप ये भी चाहते हैं स्पेसिफिक टाइम पे कोशिश करें रोज लॉग इन करके, नहीं तो वीक में एक दिन लॉग इन करके लाइव जाने की, एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पीपल, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर सर्विसेज। उससे क्या होगा, आपकी चैनल की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। Rather than creating videos, हम बहुत ज्यादा देखिए सबसे बड़ी चीज लाइव में जाने के लिए, एक तो आपको कुछ बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक को पता है कि लाइव जा रहा है तो क्या एनिमेशन डालेगा बेचारा, है ना। यू कैन गो लाइव विद इट, है ना बीना मैम? यस सर।
तो आप आराम से लाइव जा सकते हैं, बस हल्की सी लाइट वाइट पे फोकस कीजिए थोड़ा सा। और हितेश जी आप प्लीज स्ट्रेटेजाइज कर लीजिए फेसबुक पे लाइव जाने का, और लाइव जाके कोशिश कीजिए रेगुलरली। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो दिन भर लाइव बैठे हुए हैं। चलाया तो फिर ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होकर दूसरी बार भी चलेगा? दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करें हितेश जी थोड़ा सा। देखिए सपोज एक कोई प्रोडक्ट है मेरी, मैंने उसका अभी लाइव चालू किया, मैंने दिखाया, तो उसका रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होकर दूसरी बार भी चलेगा वो? नहीं सर, जब आप लाइव एंड करेंगे तो आपका लाइव एंड हो जाएगा। कभी कभी हम फेसबुक पे देखते हैं तो किसी ने वीडियो निकाला होता है पहले का, वो चल रहा होता है, वो कैसे चल रहा होता है? सर फेसबुक जो जैसे पहले का वीडियो, जैसे उस दिन जो आपने मेरा लाइव देखा था, पहले का वीडियो चल रहा था, तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर यूज जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ना, हाँ, ये ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है? तो ये ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है सर्वर्स के ऊपर, वो थोड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उसमें आपको भी जाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा हितेश जी कि आप नॉर्मली आपके पास कैमरा है, आपके पास रिंग लाइट है, सिंपल एक टेबल लगाइए, और आप बोलने में बहुत अच्छा है, आप सिंपल एक काम कीजिए, अगर आप नहीं बोलना चाहते, खुद नहीं दिखाना चाहते, किसी भी एक फीमेल को या मेल को पकड़ के लेके आइए, आराम से वो स्क्रीन के सामने खड़े हो, आपके प्रोडक्ट्स को दिखाना स्टार्ट कर दे, और लाइव रखो, चलने दो लाइव। सर तो सर कैमरा की जरूरत क्या पड़ेगी फिर? कैमरा समझ में नहीं आया। मोबाइल कैमरा या फिर मोबाइल कैमरा या कोई भी डिजी कैमरा कुछ तो यूज करेंगे ना लाइव जाने के लिए। तो ये लैपटॉप का कैमरा से नहीं होगा? तो लैपटॉप के कैमरा से उतने एंगल्स क्लियर नहीं आएंगे ना, जैसे अभी देखिए लैपटॉप का कैमरा आपके फेस पे फोकस कर रहा है, हाँ, है ना, हाँ, लैपटॉप का कैमरा आपके फेस पे फोकस कर रहा है, तो आप जब बोलेंगे तो अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से दिखा सकते हैं? वैसे तो लैपटॉप के कैमरा से आप चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर लाइव में। नहीं नहीं, कैमरा का जो केबल है वो यहाँ पे डाल देने का, आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, आप अपने कैमरा को अपने लैपटॉप को ही दूर रख दो सर, ओके, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट पूरा दिखना चाहिए ना, प्रोडक्ट पूरा दिखना चाहिए सर। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ज्यादा ज्यादा यही होगा ना हितेश जी, कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, मत खरीदने दो। वैसे भी सही बात है सर, मत खरीदने दो, ऐसे भी तो दुकान खोल के बैठे हैं ना, आने दो लाइव पे, देखते हैं सर क्या होगा, लेकिन अगर अच्छी चीज हो गई तो सर उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है, मुझे लगता है हितेश जी आप गुजरात के वो पहले आदमी हो गए जो अपने प्रोडक्ट्स को लाइव बेच रहे हैं। पॉसिबल है सर, ई कॉमर्स में तो दुनिया बेच रही है, लाइव बेचने वाला पहला आदमी होगा। एक दो दिन में सर करता हूँ मैं सेटिंग, कुछ पहले पेज की वैल्यू बढ़ा देता हूँ ना सर, पेज की वैल्यू इतनी नहीं है। हाँ मतलब पेज की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दीजिए। और कोई बीच में कुछ बोल रहा था, बीना मैम, श्रद्धा जी शायद कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रही थी, अभी बहुत लोग ऐसा करते हैं अमेज़न से प्रोडक्ट खरीद लिया और उसको मंगा कर उसकी उस फीचर्स को लाइव जाकर बताते हैं ये मैंने लिया है, और फिर नीचे एफिलिएटिंग लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% लोग कर रहे हैं इस काम को, लेकिन श्रद्धा मैम इसका ये थोड़ा सा पुराना पैटर्न हो गया, क्योंकि वहां पे आपके एफिलिएट लिंक से आपकी इनकम कितनी हो रही थी, 1-8% के बीच में, है ना, और जो एफिलिएट नेटवर्क्स ज्यादा पैसा देते हैं उनका उनका प्रोडक्ट तो हम हाथ में तो ले नहीं सकते, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे यूएस के बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो आपको एक एफिलिएट के समवेयर अराउंड 45,000-60,000 दे देते हैं, लेकिन आप बेचारे उनकी दुकान भी नहीं चल रही, उनका प्रोडक्ट कहां से दिखाओगे आप, है ना। और मुझे लगता है कि श्रद्धा जी जैसे आप लोग का भी जो आइडिया है, जो आप लोग यूनिक प्रोडक्ट्स बेचने वाले थे, श्रद्धा मैम आप लोग भी, अश्विनी प्लीज ट्राई टू मेक अ स्ट्रैटेजी, सत्या जी आप सेशन में नहीं है, आप तीनों लोग मिलके जो आइडिया आपका था आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ट्राई टू गो ऑन द लाइव प्लेटफॉर्म जहां पर आप फेसबुक में रोज एक घंटा लाइव जाओगे अपने प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे हुए और लाइव बेचो, कहो कि भैया अभी शेयर करो और 10% का डिस्काउंट लो। Before that, we have to increase our crowd, right? In our business page. Ashwini, अगर आप ये भी कर सकते हो, आपके पेज में अगर एक भी फॉलोअर नहीं है ना हितेश जी, बड़े ध्यान से सुनेगा, एक जुगाड़ बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पेज में एक भी फॉलोअर नहीं है और आपको क्या करना है, आपको फेसबुक पे लाइव जाना है और आप चाहते हो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो आगे चले,
तो किसी भी ऐसे इंसान को पहले चुन लीजिएगा जिसका फेसबुक में थोड़ा सा अच्छा होल्ड हो, मतलब बहुत पुराना अकाउंट उसका हो, उसने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हो, ठीक है? तो आप सिर्फ उसको, जी श्रद्धा मैम, वो कैसे देखेंगे वो हर बंदे को ढूंढना पड़ेगा, जैसे आप बैच में पूछ लीजिएगा ना किसका एक, किसने ज्यादा ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं फेसबुक। आगे बताइए सर, आगे चलिए। अश्विनी देखिए हाथ उसने उठा दिया, मतलब वो पहले से ही ग्रुप ज्वाइन करके बैठी हुई है खूब सारे। और हितेश जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अब छोड़ो एंगेजमेंट वाला, कल ही जाता हूँ लाइव में। तो यहाँ पर हितेश जी करना क्या है कि आप अपने पेज से लाइव जाइए, अश्विनी मैम को बोलिए कि आपकी वीडियो को जितने ग्रुप्स में वो हैं उन सब ग्रुप में शेयर कर दे। मैक्सिमम सीईओस के ग्रुप्स में हूँ। कोई बात नहीं, तब तो और मजेदार है। और लिंक्डइन में भी मैं सीईओस का ग्रुप में ही हूँ। तो उसमें प्रोडक्ट भी ढंग का जाना चाहिए अश्विनी, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि शेयर आप कर रहे हैं, है ना? और तो फिर कमीशन भी ढंग का आना चाहिए। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अश्विनी ने शेयर कर दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है बिकॉज़ दे डोंट रिवर्ट मच सीईओस के ग्रुप में। सर वो मेरा दोस्त था ना, उसके भी उसको मैं समझा दूंगा, वो ने सीएम वाले एडम में देखी थी। बहुत बहुत बढ़िया, वो जो आपके फ्रेंड है जो यूट्यूबर है, यूट्यूबर है वो भी, और उससे सीएम की एड देखी थी ना। अगर वो फेसबुक में बहुत अच्छा उनका स्ट्रेंथ है, काम करेंगे सर, आप जब फेसबुक से लाइव जाएंगे तो उनको बोलिएगा कि आपकी वीडियो को शेयर कर देंगे ग्रुप्स में। और हितेश जी अगर एक अच्छे ग्रुप में शेयर हो गया ना, एक अच्छे ग्रुप में शेयर हो गया तो 700-800 इंडिविजुअल तो ऐसे ही आ गए आपकी वीडियो के ऊपर लाइव, और आपको लाइव दिखता रहेगा, आपको लाइव दिखता रहेगा कि कैसे चल रहा है, ठीक है सर? तो सर ये सपोज मैं लाइव शुरू किया अभी, तो कम से कम एक घंटे तक तो चलना चाहिए कि ऐसा कुछ? सर ज्यादा चलना चाहिए, एक घंटे में कुछ नजर उतना आएगा नहीं, क्योंकि जब आपके यूजर्स बढ़ जाएंगे ना, जब आपके यूजर्स बढ़ जाएंगे तो आपका वो एक घंटा उनको पता होगा कि दिन में इस टाइम ही आता है। नहीं नहीं अभी मैंने शुरू किया, अभी मैंने शुरू किया तो एक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट दिखाऊं, क्या दिखाऊं क्या नहीं, तो एक घंटे का शो लेके चलूं, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ आप ये कर सकते हैं कि रो आप मतलब वीक में दो दिन एक एक घंटा जाएं लाइव, लोगों को ये पता होगा कि हाँ भैया इस दिन जाना है, और जाने से पहले अपने सारे फ्रेंड्स को एक्टिव रखिए कि भैया वीडियो शेयर करनी है आपको। और एक भी वीडियो में दिख गया ना हितेश सर, एक भी, क्योंकि जब आप लाइव जाते हैं तो साइड में ब्लिंक करके दिख रहा होता है कितने लोग लाइव आपको देख रहे हैं, अगर एक भी इंसान आपको लाइव दिख गया, सिंपल उसको पकड़ के बोलना स्टार्ट कीजिए कि भैया शेयर करो तभी 10% डिस्काउंट दूंगा। जैसे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, बिना मैम बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ना अश्विनी, वो क्या कर रहे हैं फेसबुक पे लाइव आके, वो क्या बोल रहे हैं कि आपके क्वेश्चन को हम तभी आंसर करेंगे जब हमारी वीडियो को आप शेयर करोगे, है ना? I never attended such. So, strategy. सर, तो भाग जाते हैं वहां से। Scroll down. जी श्रद्धा मैम, मेरा एक आइडिया है, मैंने सोचा है इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करूंगी ई-कॉमर्स हो जाने के बाद। मैंने सोचा सर, मैं तो यूपीएससी की वो सेल्फ स्टडी करती हूँ ना, तो मैंने सोचा उसके लिए मैं डेली बेसिस पर वीडियो बनाऊं, और अभी आपने लाइव बताया तो उसके लिए लाइव भी जाकर उसको रिकॉल करूँ। तो मैंने दो, देखिए मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, आप बस एक पैटर्न सेट कीजिए। आप तीन लोग हैं, बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छा आप लोग बोल सकते हैं, तीन लोग हैं, आप तीन लोगों के अकाउंट में कम से कम नहीं भी तो 10 ग्रुप तो होंगे ना? यस सर, ज्यादा है। तो और अश्विनी, जो ग्रुप्स आपके पास हैं वो तो इन जो एंटीक प्रोडक्ट्स आप लोग लेके आ रहे हो उसके लिए तो दे आर मैड अबाउट इट। सो इफ यू गो लाइव रेगुलरली विद दैट, तो उनको पता रहेगा कि ये पेज चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपके फेसबुक पेज पे अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, पीपल आर अर्निंग नॉट लेस देन 15 लाख फ्रॉम अ सिंगल पेज। लोग पेज पे एड देने के लिए, मतलब जो फेसबुक पेजेस हैं बहुत सारे उस पे एड देने के लिए पीपल आर टेकिंग मनी। मतलब मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एक ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेल एंड परचेज नाम से फेसबुक पेज है। उस पेज पे जब आप जाएंगे तो वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि 1000 रुपए दीजिए और उनका लाइफ टाइम मेंबरशिप लीजिए। आप 1000, उसके टोटल सब्सक्राइबर्स कितने, फॉलोअर्स कितने पता है आपको?
उसके टोटल सब्सक्राइबर्स इस टाइम इस कोविड सिचुएशन में 150,000 पे 150,000 सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स. तो वो मैं फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ, ये फेसबुक पेज की. और वो जो फेसबुक पेज है उस पेज के ऊपर जब आप 1,000 rupees को पे कर देंगे तो वो एडमिन आपकी आईडी को एक एक्सेस दे देगा कि दैट यू कैन पोस्ट योर प्रोडक्ट्स देयर. और जब भी आप अपना प्रोडक्ट वहां डालेंगे तो ऐसे 150 या 170,000 लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखेगा जो सेल परचेस करते रहते हैं, होलसेलर्स. क्लियर हो रहा है? और जिसने पेज बनाया है कुछ नहीं किया, उसने तो सिर्फ पेज बना दिया और लोग आए अपना प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, चल गया. जैसे बैंगलोर चैप्टर फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स ग्रुप है, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स नाम का ग्रुप है, जिसने ये प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को बीच से हटा दिया. और इसने क्या किया हितेश जी, बीना मैम, इसने क्या किया, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स ने बैंगलोर से स्टार्ट हुआ था अश्विनी, ये बैंगलोर चैप्टर इनका फर्स्ट चैप्टर था. और ब्रोकर्स को हटा के इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी ओनर्स यहाँ पे आके अपनी लिस्टिंग डालो और जो रेंटिंग ढूंढने वाले हैं, जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे लोगों को सर्च करो, ब्रोकर हटा दो, सिर्फ बात करो. करते करते ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इसमें बहुत सारे लोग आ गए. जैसे एक टीनेजर ने एक घर ले लिया, या फिर एक कॉलेज गोइंग बॉय ने या गर्ल ने एक घर ले लिया, उसके पास दो रूम खाली है, उसने ऐड डाल दिया कि मेरे पास दो रूम खाली है, कोई भी आ जाओ. फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स कॉन्सेप्ट था. इज इट फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स? यस, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स. डू दे हैव एनी ऐप और वी कैन सर्च? नहीं, दैट्स अ सिंपल फेसबुक पेज. एक ग्रुप बना हुआ है. एंड अब फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स को ज्वाइन करने के लिए यू नीड टू पे 500 rupees फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप. और मैं आपको बता दूं, ये इस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है. इसके 7 चैप्टर्स बन चुके हैं. फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स गुड़गांव चैप्टर, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स नोएडा चैप्टर, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स बैंगलोर चैप्टर, हैदराबाद चैप्टर. और नाउ दे आर लॉन्चिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय द नेम ऑफ फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स. इतने सारे यूजर्स इंडिया जुड़ चुके हैं. सो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं. तो आप जो ई कॉमर्स बिजनेस का प्लान कर रहे हैं ना, आप में से कोई भी इस तरीके की चीजों को अडेप्ट करना स्टार्ट करो. हम अपने यूएस के, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हितेश जी, और जितने लोग यहाँ ई कॉमर्स को लेके बैठे हुए हैं श्रद्धा मैम, हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं यूएस के जो हमें पैसा दे रहे हैं सिर्फ रिसर्च करने के लिए. बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एज वेल, हमें पैसा दे रहे हैं सिर्फ रिसर्च करने के लिए कि वीडियो मार्केटिंग से क्या हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. उनका कोई टारगेट नहीं है. हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका कोई टारगेट नहीं है कि आप इतने का ऐड चलाओगे तो इतना माल बिकना चाहिए. उनका कहना है कि ये पकड़ो पैसा और मुझे मंथ के एंड में रिपोर्ट दो कि इतने का ऐड चला तो क्या हमारा प्रोडक्ट लोगों ने व्यू किया या नहीं किया. दे आर सिंपली रिसर्चिंग इट राइट नाउ. दैट मींस कहीं ना कहीं हितेश सर, ई कॉमर्स का नेक्स्ट लेवल जो अब आने वाला है वो वीडियो मार्केटिंग का आने वाला है. ये इमेजेस देख के लोग नहीं खरीदने वाले. और जैसे आज हम जूम पे लाइव बैठे हुए हैं ना, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ जाए वेर इन यू कैन गो और आप क्लिक करो और सामने वाला आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना स्टार्ट कर देगा, वीडियो नहीं लाइव. और ये हो जाएगा. जैसे जब आपका बैच स्टार्ट हुआ था तो उसके 5-6 दिन बाद हितेश जी ने मेरे साथ एक लिंक शेयर किया था जहां पे जब ये चाइना जाते थे तो ट्रेड फेयर्स लगते थे. और अब गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, वर्चुअल ट्रेड फेयर स्टार्ट हो चुका है. आप जैसे पबजी खेलते हैं ना, पबजी मोबाइल पे गेम खेलते हैं, आप वीजीए सिटी खेलते हैं, वाइस सिटी, ये सब जो गेम खेलते हैं, वैसे ही आप एक इंडिविजुअल की तरह चलेंगे, अलग अलग काउंटर्स पे जाएंगे, जिस काउंटर पे जाएंगे वो लाइव आपसे बात करने लगेगा. तो इट्स अ वर्चुअल ट्रेड फेयर. समझिएगा इस पैटर्न को, समझिए, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस आप सिर्फ आज अगले 15 दिन तक के लिए नहीं है. हितेश सर, अगर ई कॉमर्स में आपने प्रोडक्ट्स हैं अगर उतरना है ना, तो ये वीडियो वाले चीज पे उतरना पड़ेगा आपको. आपकी मजबूरी है, जैसे आज मजबूरी है ना डिजिटल मार्केटिंग सीखना, वैसे अगले 2 साल, मैं कह रहा हूं 5 साल तो जाओ ही मत सर, रिकॉर्डेड सेशन में बोल रहा हूं, अगले 2 साल में वीडियोस पे प्रोडक्ट बिकेंगे. हमारा एक क्लाइंट है यूएस का, रॉकलैंड नाम से, न्यूयॉर्क का है. उस क्लाइंट का वो स्वेटर्स लेके आता है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए स्वेटर्स लेके आता है. नाउ व्हाट ही स्टार्टेड,
अभी उनका प्रोसेस बिल्कुल है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, और मुझे लगता है एक या दो महीने में हम स्टार्ट कर देंगे उसको बाय द स्टार्टिंग ऑफ विंटर्स। उस प्रोजेक्ट पे वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को कपड़े पहना के लाइव रिकॉर्डिंग में छोड़ दिया, एक रूम के अंदर स्वेटर पहना दिया और रिकॉर्डिंग में छोड़ दिया नाउ, और उसके ऊपर लाइव वो चल रहा है, लाइव मतलब पोस्टिंग चल रही है कि स्वेटर खरीदना है। नाउ जो यूजर है जिसको स्वेटर खरीदना है अपने बच्चों के लिए, वो ये चेक कर सकता है कि बच्चा स्वेट तो नहीं कर रहा, बच्चा कंफर्टेबल तो है इस कपड़े को पहन के, समझ लीजिए किस तरीके का चल रहा है। सो ये है ई कॉमर्स का नया प्लेटफॉर्म, स्टार्ट यूजिंग इट। तो आज का जो सेशन हमारा था उसका मेन उद्देश्य आपको ये दिखाना था कि वी कैन मेक वीडियोस इजिली रैंक इफ वी गो लाइव फ्रॉम फेसबुक और यूट्यूब। सर आपने जो फ्लैट एंड फ्लैट वाली बात की ना जी, उसमें सपोज आपकी आपका पेज चल रहा है फेसबुक पे और मेरे को मेरा फ्लैट बेचना है, ऐसी एड एड उसमें देनी है, तो मेरे को पेज बनाना पड़ेगा? नहीं सर। तो कैसे होगा ये? जैसे देखिए आपको एक ग्रुप बनता है फेसबुक में, तीन चीजें, पहली चीज है पेज, दूसरा है ग्रुप और तीसरा है प्रोफाइल। जो ग्रुप होता है वो एक लोगों का ग्रुप होता है और उस ग्रुप में एंटर करने के लिए जो ग्रुप का एडमिन है उसको एक्सेस देना पड़ेगा आपको। ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, फिर आप जो बोल रहे हैं फ्लैट एंड फ्लैट वो ग्रुप है सर? हाँ, ये फ्लैट एंड फ्लैट में से ग्रुप है और इसका पेज भी है, इन्होंने पेज से ही स्टार्ट किया था पहले। ओके ठीक है, पेज में लोगों ने लाइक किया सर? पेज को लोगों ने लाइक किया, पेज पे लोग कमेंट डालते चले गए क्योंकि उस टाइम कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। अच्छा, मतलब वहां क्लियर कट लिखा था नो ब्रोकर्स अलाउड। और वहां पर लोग जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, प्रॉपर्टी वाले थे, वो सारे वहां पे चले गए जिस तरीके से डाल रहे थे। एग्जांपल के तौर पे सर सिंपल जाके फेसबुक पे चेक कीजिएगा फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स, इनका सबसे पहला चैप्टर था बैंगलोर चैप्टर, उसको चेक कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या गेम है। और हितेश जी बहुत सारी चीजें जैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन या ये जितने ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन कीजिए फेसबुक पे हितेश जी, अपने गीतांजलि वाली आईडी से। और अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे भी शेयर करना स्टार्ट कीजिए। फिर जब आप जाएंगे ना सर लाइव तो और मजा आएगा। तो सर अभी आपके पास कोई वर्चुअल एग्जीबिशन की कोई इंक्वायरी आपके पास आ रही है? सर हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है। तो मेरे पास मेरे दोस्त ने एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बनाई है, तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। वर्चुअल का? हाँ वर्चुअल, बहुत बहुत यानी बहुत बढ़िया बनाया है। चलिए कोई बात नहीं सर, उस पर जरूर बात करेंगे हम फॉर श्योर। कोई बात नहीं, सेबी उसने सेबी वाले ने 1700 मीटिंग पेंडिंग पड़ी है उसके लिए उसने सॉफ्टवेयर बनाया है। बहुत बढ़िया, तो एक बार बात करेंगे सर, उस पर देखेंगे हम, अगर काम की चीज लगती है तो जरूर उनको यूज कर सकते हैं। हाँ मैं आपको शेयर करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, सो सेशन में यहीं तक रखूंगा, याद रखिएगा इसको कि अब हमें लाइव पे जाना है। और बीना मैम जो अभी तक वीडियोस पे आप रुके हुए हैं, प्लीज स्टार्ट क्रिएटिंग द वीडियोस, अदरवाइज आगे ये जो वेबसाइट बनाना आज हम सीख रहे हैं ना, कल हमें वीडियो एडिटिंग सीखना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट गोइंग लाइव। श्रद्धा सर आप सेशन में नहीं है, अश्विनी आप तीनों की टीम है, प्लीज ट्राई टू मेक अ स्ट्रेटजी वेयर इन यू कैन गो लाइव ऑन फेसबुक। सर आपको आपका टारगेट पता है क्या करना है अभी? चलिए आप लोग चाहें तो जरूर बात कर सकते हैं और हम आंटी को और ज्यादा बात करेंगे। फेसबुक में हमारा कन्वर्सेशन बता हुआ है, कन्वर्जन को बात करने के बाद हम फिर आएंगे एफिलिएट के ऊपर और थोड़ा सा एडसेंस की बात करेंगे किस तरीके से काम करेगा। एडवर्ड से कुछ टॉपिक हैं जिसमें हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। मुझे लगता है कि हमारा सेशन अभी एक वीक के बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा, बट जैसे ही जिस दिन आपका सेशन एंड हो रहा है उसी दिन से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है 721। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दैट अगेन। आई वॉन्ट टू ज्वाइन जी, बताइए। तो मेरे सेशन में हमेशा ही होता है, तो ये सर आपका मोटिवेशन इतना रहता है ना, बहुत दिन से या तो मुझे लगता है कि बिना मैम समझ नहीं आया, या तो हो सकता है कि लोगों को सुनने की आदत हो गई है। नहीं सर, आपसे सच में बहुत मोटिवेशन मिला, अभी भी दो दो आइडियाज आ गए। सर सर वो ज्वाइन कर आपको सुनते रहेंगे तो मोटिवेशन मिलती रहेगी, वरना वही पहुंच जाएंगे वापस। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
और यू मेड मी स्माइल, आई एम ब्लशिंग, है ना। चलिए आप लोग मुस्कुराते रहे इसी तरीके से। सर एक क्वेश्चन है, बताइए। बहुत दिन से भूकंप नहीं आया सर। मैम पता है कुछ बोला नहीं है, है ना। यस सर, यस सर, जरूरी है मोटिवेशन, कुछ मोटिवेशन वाली चीजें आनी जरूरी है। ये टॉपिक आ गया ना मैम, पहले एसईओ वाले में बहुत टाइम मिलता था, अभी ऐसा टॉपिक आ गया कि बैक टू बैक चल रहा है। मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी सर आपको बोलूं, सर भूकंप नहीं आया। केजरीवाल जी पकड़ लेंगे मुझे कि दिल्ली का यही आदमी है जो ये ये बोलता है भूकंप आ जाता है। चलिए आप लोग चाहे तो आपस में बात करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मंडे को दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय गाइस।